Hey students, you are welcome to online class of DVS Inter College. This is the class 9th chemistry topic evaporation of chapter 1st. In the previous video we discussed the matter and its property, interconversion state of matter. In this video we discuss a very important topic of this chapter, evaporation and factor affecting of evaporation. Okay? Now let us start. Clear. Evaporation. You know the phenomenon of change of liquid state of matter into vapor state. ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया है एक ऐसी घटना, जिस घटना मतलब क्या होता है कि लिक्विड स्टेट मैटर अगर कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में, और कब, एट बॉइलिंग पॉइंट या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. ठीक है ना, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऐसे फिनोमिना जिसमें लिक्विड स्टेट का मैटर कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, तो उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्लियर? हियर इज समथिंग न्यू. यू नो इवेपोरेशन प्रॉपर्ली, बट हियर इज समथिंग न्यू. विच फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन पर? ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आपके लिए है कि विच फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन. ठीक है ना, इवेपोरेशन कोई फैक्टर अफेक्ट करता है. अपने सराउंडिंग में आप लोग देखते होंगे कि हर कहीं इवेपोरेशन हो रहा है. ठीक है ना, आज बारिश हुई गड्ढों में पानी लगा हुआ है, कल पानी सूख गया. ठीक है ना, कैसे क्या हुआ वहां पर, इवेपोरेशन हुआ. आज तालाब का पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, कुछ समय बाद आप देखोगे कि पानी पूरा सूख गया है. ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, अभी आप सुबह सुबह नहा कर क्या करते हो, जब अपने गीले कपड़े को धूप में सुखाने के रखते हो तो कपड़ा सूखता है, सामने सूख जाता है. क्या हुआ वहां पर, इवेपोरेशन. लेकिन अब ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को. इवेपोरेशन सब जानते हैं, लिक्विड स्टेट का मैटर गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है ना. लेकिन मैटर ये आता है कि कौन कौन सा फैक्टर उस पर इफेक्ट करता है. जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो क्या है, पहला टेम्परेचर. क्या है, पहला टेम्परेचर है. ठीक है ना, अच्छा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है भाई, मैटर ये भी आ गया. आपने दो ऑब्जर्वेशन देखा होगा टेम्परेचर के बारे में. पहला ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, इसमें गर्मी का समय है, जरा सी बारिश हुई नहीं शाम को कि सुबह तक मामला साफ हो जाता है. ठीक है ना, सुबह नहीं हुआ तो फिर शाम तक क्या होगा, सारे सारे पानी इवेपोरेट हो जाएंगे. क्यों इतना तेजी इवेपोरेशन हो रहा है भाई, रेनी सीजन में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेनी सीजन में टेम्परेचर डाउन रहता है. ठीक है ना, इस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना. दूसरा पॉइंट, आप क्या करते हो, मम्मी अभी खाना बना रहे हो. ठीक है ना, आप दो कंटेनर लीजिए, दो बर्तन लीजिए, और दोनों बर्तन को क्या करिए, रख दीजिए, और रखने के बाद फिर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालिएगा, और एक का गैस फुल कर दीजिए. ठीक है, और दूसरे का गैस जो क्या करना है ऑफ कर दीजिए, मतलब लो पे जलाइए, और देखिए कौन सा पानी जल्दी से इवेपोरेट होता है. आप देखोगे कि जिसका फुल किए रहोगे वो बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है ना, क्यों इवेपोरेट होगा, मैक्सिमम फ्यूल बर्न करेगा भाई. जब ज्यादा ज्यादा फ्यूल बर्न करेगा तो क्या होगा, जब मैक्सिमम फ्यूल बर्न करेगा तो मैक्सिमम हीट एनर्जी देगी, और जब मैक्सिमम हीट एनर्जी देगी तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना. क्या बताया गया आपको, आपको यही बताया गया ना. अच्छा एक बात आपको और थोड़ी सी समझनी होगी, क्लास 8 में आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनवर्स ना. अभी मैं बता दूंगा आपको कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बड़ी समस्या आ जाएगी. अरे डायरेक्टली इनवर्सली क्या सर बता रहे भाई, अरे डायरेक्ट इनवर्स के बारे में आप लोग जान लो. डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब एक फैक्टर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा फैक्टर अगर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केसेस हो जाएंगे. ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था आपको क्लास 8 में, तो उसमें आपने देखा था मैथ में कि जब हम मोर फ्यूल देन The car covers more distance. जब ज्यादा डीजल डालोगे गाड़ी में तो गाड़ी ज्यादा दूर जाएगी. क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है ना, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ना ही चाहिए. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आप देखते हो कि जब एक बढ़ रहा है और दूसरा घट जाए, कैसे घटेगा,
एक काम ले लो, मानो तुम्हारा घर बन रहा है, घर बन रहा है, लेस फ्यूल लेस लेबर मोर टाइम, कम लेबर रहेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। और जब क्या करोगे आपके पास, और जब आपके पास लेबर बहुत ज्यादा होंगे ओनली फ्यू टाइम योर होम प्रिपेयर, तुम्हारा घर तैयार रहेगा आराम से ना। वही है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। क्या है भाई आपका डायरेक्टली है और इनवर्सली है, क्लियर ना। नाउ लेट अस चेक। तो मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्टली मतलब एक बढ़ना दूसरा बढ़ना तय है, ठीक है ना। इनवर्सली सिर्फ एक आता है वहां पर, जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बता दूंगा। पहले क्या बताया कि आपको फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया ना। कोई पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, तो आप सीधा बताइएगा कि टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ध्यान सुनिएगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होने क्लियर होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इवेपोरेशन बढ़ रहा, इवेपोरेशन बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारे पास दिया गया है, ये आप इस साइड ले सकते हो, इस साइड ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरफेस एरिया आता है ये आपके सामने, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस एरिया का मैटर क्या है टेम्परेचर से भाई, इवेपोरेशन से। मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि जितना ज्यादा आप क्या करोगे कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगा ना। अब ये बताओ कि सरफेस एरिया से और इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग अपने घर के सामने सड़क पे दो गड्ढों को ले लो, ठीक है ना, गड्ढों का बहुत बड़ा योगदान है बच्चा इसमें। दो गड्ढों को ले लो और दो गड्ढों को लेने के बाद क्या करना है आपको पता है। अब गड्ढों को लेने एक गड्ढा ऐसा लो जिसका सरफेस एरिया काफी चौड़ा हो और लेकिन उसमें गहराई कम हो, और एक गड्ढा ऐसा लो जिसका सरफेस एरिया कम हो लेकिन गहराई ज्यादा हो, ठीक है ना। मतलब चौड़ाई कम हो और गहराई ज्यादा हो, एक ऐसा लेना है, और एक में चौड़ाई ज्यादा और गहराई कम हो, एक ऐसा लेना है। ले लिया, चलो ठीक है। अब दोनों को ऑब्जर्व करो, अगर बारिश नहीं हो तो उससे पानी भर दो उसमें, और भरने पर देखो बैठ के रोज उसमें, और देखो कि किसमें से पानी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। हालांकि काम बड़ा रिस्की है तुम्हारे लिए। दूसरा एग्जांपल तुमको दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। एग्जांपल ये है आपके पास कि आप क्या करिए, अभी तुरंत एक थाली लीजिए, थाली से खाना खाते हो, और एक ग्लास लीजिए, दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर पुट कर दीजिए, दोनों बराबर मात्रा में पानी डाल दीजिए। डाल दिया, अच्छा। जब बराबर मात्रा में पानी डालने के बाद क्या करना, आपको उसको धूप में रख देना, टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, सरफेस एरिया डिफरेंट है। अच्छा, सरफेस एरिया डिफरेंट है, आपको करना क्या होगा पता है, क्या करना होगा आपको, बस रख के छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे छोड़ने के बाद आप फिर जाओ, दोनों का पानी कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद वॉल्यूम चेक करो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा और किसका वॉल्यूम कम है, तो आप पाओगे जो थाली में रखा रहेगा पानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जो ग्लास में रखा रहेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। पानी गया कहां, पानी इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट दोनों के नहीं इवेपोरेट हुआ, क्यों, सिर्फ एक में ही इवेपोरेट हो रहा है। रीजन इसके पीछे ये है, एक में इवेपोरेट होने का क्या रीजन है पता है आपको, सरफेस एरिया है, ठीक है ना। क्या है, सरफेस एरिया, थाली के पास सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। क्या है, थाली के पास सरफेस एरिया ज्यादा है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया के बारे में, क्लियर ना। तो मैंने बताया आपको दो एग्जाम्पल, एक गड्ढे का बताया एग्जाम्पल, और दूसरा बताया आपके पास मतलब थाली में आप पानी रख सकते हो। सरफेस एरिया का बहुत बड़ा योगदान, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन उठता है कि वाई सिप हॉट टी, ठीक है ना, सॉसर रेदर देन कप, क्यों हम लोग पीते हैं गर्म चाय को, ठीक है ना, क्यों हम लोग पीते हैं गर्म चाय को, कहाँ पीते हैं, ठीक है ना, प्लेट में पीते हैं कप के बजाय, गांव में नहीं पिया जाता, शहर में पीते हैं, बड़े बड़े लोग पीते हैं इसको, ठीक है ना। अब तुम सोच रहे हो कौन सी नई बात इसमें आ गई, तुम लोग देखे हो ना पिक्चर में, ठीक है ना, वहां पर जो एक्ट्रेस
और एक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कप लेते हैं, कप का चाय गिराते हैं तो उसमें सॉसर में प्लेट में उसी प्लेट से पीते हैं। क्यों पीते हैं पता है उसमें क्या होता है, उसमें जब चाय जाती है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो क्या होगा इवेपोरेशन तेजी से होगा, और जब तेजी से इवेपोरेशन होगा ना तो तेजी से इवेपोरेशन होगा तो ठंडी जल्दी होगी चाय भी। अब तुम सोच रहे हो इवेपोरेशन से ठंडा कहां से रिलेशन आ गया, तो अभी मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ठीक है ना, उसमें रहेगा कूलिंग कसिक इवेपोरेशन ठीक है ना, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कूलिंग कसिक इवेपोरेशन इसी के बाद ठीक है ना। बस इतना आप जानते रहो कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई पूछेगा आपसे अगर कि व्हाट हैपेंड व्हेन इंक्रीज द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो आप बताइएगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ठीक है, सरफेस पूरा लिखिएगा आधा लिखा मैंने, तो सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपके पास जो आता हुआ था विंड स्पीड, हाँ ये भी फैक्टर है विंड स्पीड, इसका बहुत बड़ा योगदान है ठीक है ना। एक्चुअली विंड की स्पीड ज़्यादा कम होती है पता है जब उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, सोचो ह्यूमिडिटी क्या होती है, अरे ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर ठीक है ना, हवा में पानी की मात्रा। विंड स्पीड ज़्यादा होगी, अच्छा विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी, सोचो ना गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बहुत ही ज्यादा हाई होगी ठीक है ना। और जब बहुत ज्यादा गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो समझी रहो क्या होगा कि जब वो किसी कपड़े से टकराएगा या फिर किस कहीं पर पानी लगा हुआ है किसी गड्ढे में या फिर किसी प्लेस पर ठीक है ना, तो जब वहां से टकराएगा तो उसके पार्टिकल क्या करता है वाइब्रेट कर देता है ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा ना तो वो डायरेक्ट क्या होते हैं ठीक है ना स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद फुर्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएंगे। समझ में आया ना। विंड स्पीड का आपको मतलब एग्जाम्पल दो दे दें, पहला एग्जाम्पल आपके पास ये है कि आप आज क्या करिएगा रात के समय में दो कमरे में कपड़े अलग अलग डालिएगा, एक कमरे में पंखे चला डाल दीजिएगा, दूसरे कमरे में बिना पंखा ऑफ रहना चाहिए फैन वहाँ पर, और उसमें डालिएगा और डालने में छोड़िए, देखिए सुबह तक कौन कपड़ा सूखता है। आप देखोगे कि जिस कमरे में पंखा चलता रहेगा उस वो कपड़ा बहुत जल्दी से सूख जाएगा ठीक है ना, बहुत तेजी से सूख जाएगा वो कपड़ा। समझ में आ रहा है ना, बहुत तेजी से क्यों सूखेगा, क्योंकि लगातार जब फैन चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई करेगा, काइनेटिक एनर्जी हाई करेगा तो जानते क्या होगा वहां पर उस दौरान वाटर की मात्रा पहले तो कम रहेगी रहेगी, और दूसरा पॉइंट क्या करेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाएगा, वो एयर जाके बार बार टकराएगा उससे ठीक है ना कपड़े से, और जब टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर अफेक्टेड करेगा। अच्छा कर दिया तो करने के बाद क्या होगा, सर्वसर पढ़ाया होंगे आपको लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल वही रहेंगे कपड़ा मूव कर जाएगा। अब लगातार जब ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा तो वाइब्रेट होने की वजह से वाटर के स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल एयर के पार्टिकल मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद पूरे एयर में फैल जाएंगे, और किससे हट जाएंगे कपड़े के लेयर से हट जाएंगे, और कपड़ा धीरे धीरे क्या होगा सूख जाएगा ठीक है ना। इसी वजह से तूफान उफान में कपड़े डाल दो जल्दी सूख।